हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, अभी एक लीक में पता चला है कि ओप्पो 92, जी हां ओप्पो A92 कुछ ही दिनों के बाद इंडिया में लॉन्च होने वाला, जो कि अगले महीने चीन में लॉन्च हो चुका था ओप्पो A92S। तो अभी मैं बात करूंगा आपसे ओप्पो A92 के बारे में पूरा विस्तार से इस वीडियो में, कि क्या क्या इसके अंदर का फीचर से पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइज कि यहां पे ओप्पो A92 के बारे में भी बहुत सारी जानकारी सामने निकल कर आई है और ये देखना पड़ेगा कि ये इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। मुझे विश्वास है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद तक इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि ज़्यादा मतलब रेंज का फ़ोन नहीं होने वाला है, 10 से 11 12 के अंदर में आने वाला है। अब मैं आपसे बता दूं, अगर इसका मैं डिस्प्ले से आपको बताऊं तो आपको डिस्प्ले मिलेगा 6.55 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन इसमें नहीं आपको IPS डिस्प्ले मिलेगा, ना ही इसमें आपको सुपर एमुलेट मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा LCD डिस्प्ले, जो कि बहुत पुराना डिस्प्ले है, तो कोई बात नहीं। अब इसमें अगर मैं आपसे कैमरा की बात करूं तो इसमें आपको 4 रियर कैमरे दिए जाएंगे और आपको एक सेल्फी कैमरे दिए जाएंगे, जो कि आपको होल पंच डिजाइन के साथ मिलेगा। अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो पहला कैमरा आपको मिलेगा माइक्रो कैमरा, जो कि 48 मेगापिक्सल का होगा, अपर्चर 1.7 होगा। और मैं अगर दूसरा कैमरा की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, जो कि आपको मिलेगा, अपर्चर 2.2 मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं अगला कैमरा की बात करूँ, अगर मैं तीसरा कैमरा की बात करूँ तो उसमें आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि होगा आपको माइक्रो कैमरा, अपर्चर उसमें दिया जाएगा 2.4 दिया जाएगा। अब मैं आखिरी कैमरा की बात कर लेता हूँ, जो कि आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट कैमरा दिया जाएगा। और वहीं पे मैं अगर आपसे बात करूं सेल्फी कैमरा के बारे में, जी हाँ, अगर मैं आपसे सेल्फी कैमरा के बारे में बताऊं तो उसमें आपको दिया जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, अपर्चर आपको दिया जाएगा 2.0 लेंस के साथ। और वहीं पे मैं आपसे अगर आपको प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर आपको उसमें ठीक ठाक दिया जा रहा है, कोई भी ज़्यादा भारी और या बहुत कम प्रोसेसर नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया जा रहा है। तो अभी सामने आया लीक, तो अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रोसेसर 665 ही दिया जाएगा। और अगर इसमें मैं आपको बैटरी की बात कर लूं तो आपको बैटरी सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी का आपको दिया जा रहा है 5000 mAh का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग इस मोबाइल को खरीद लेते हैं, इस स्मार्टफोन को खरीद लेते हैं, आपको लिए बेहद ही बड़ी अच्छा रहेगा, जो कि 5000 mAh, जो कि आपको 2 से 3 दिन काम चल जाएगा। अब मैं इसमें अगर मैं आपको रैम और स्टोरेज की बात करूं तो रैम आपको दिया जाएगा अधिकतर 8GB रैम रहेगा, 8GB से ज़्यादा रैम नहीं रहेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें 4, 6, 8 आता है या आपको सिर्फ 4 और 8 आएगा या सिर्फ आपको 6 और 8 आएगा। मैं पूरी बात अभी तो फाइनली नहीं निकल कर आया है, अब पता चलेगा लॉन्च होने के बाद। और स्टोरेज देखा जाए तो ये फाइनल रहेगा 64 और 128 ही रहेगा इसमें स्टोरेज। इसमें आपको स्टोरेज 64 और 128 ही रहेगा। और मैं अगर आपको और भी कुछ जानकारी बताऊं तो, जो कि अभी निकल कर नहीं आ रही है, जो कि अगर कुछ भी इसके बारे में अपडेट आता है, इसके बारे में कोई भी अपडेट निकल कर आता है सामने, तो मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है, जो कि मैं इस स्पेसिफिकेशन को अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी मतलब बैनर शो करवा दिया था कल ही, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप वहां पे इसका पूरा मतलब स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और आप हमसे कोई भी पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप हमें हम आपसे मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा और आप वहाँ पे जाके हमसे भी कोई भी बात पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।